बलरामपुर में विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सामने आ रहा विरोध राजनीतिक दलों पर भारी पड़ सकता है। जिले की चारों विधानसभा सीट पर टिकट न मिलने से नेताओं में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी तरह से अगर बात तुलसीपुर विधानसभा सीट की करें तो यहां पर एसपी का टिकट न मिलने पर पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। वहीं बीएसपी ने भी तुलसीपुर के पहले घोषित उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद वर्मा का टिकट नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के दौरान बदलकर भुवन प्रताप सिंह को दे दिया। इससे राजेंद्र प्रसाद वर्मा के समर्थकों में काफी नाराजगी देखने को भी मिल रही है। तुलसीपुर विधानसभा में एसपी ने अब्दुल मशहूर खान को टिकट देकर तमाम लोगों को एक मंच पर लाने और एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया, लेकिन यहां से पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी बगावत करके मैदान में आकर डट गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों में मचे घमासान का क्या परिणाम होता है, इसका फैसला 10 मार्च को ही होगा। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि तुलसीपुर में इस तरह से एसपी की आपसी रंजिश सबके सामने आई है, उससे पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है।